हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू मधुस टेरेस गार्डन। आज मैं आप लोगों के साथ एक टूर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग कहीं पे टूर या ट्रिप प्लान कर रहे हो वेस्ट बंगाल में या वेस्ट बंगाल के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है खिराई। इसे बंगाली में खिराई कहते हैं। ये जो जगह है आपको वेस्ट बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले में आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इसी का ही टूर का होल रिव्यू करूंगी कि आप लोगों को कहाँ से आना है, कैसे आना है, किस तरह से आना है, और ये स्टेशन से कितना का डिस्टेंस में आपको मिलेंगे, और यहाँ पे क्या क्या है अगर आप लोग टूर प्लान कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ अब आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जो खिराई। एक्चुअली मैं बता देती हूँ खिराई क्यों हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली खिराई जो है उसे वेस्ट बंगाल का फ्लावर वैली के नाम से जाना जाता है। तो लेट्स सी, हम लोग जा रहे हैं खिराई। तो अब हम लोग स्टेशन से उतर के खिराई के जो फ्लावर वैली है वहाँ तक जाने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। और आप लोग चाहे तो ये जो प्लेस है यहाँ से आप लोग वैन भी आप लोग बुक कर सकते हो, जो कि पर पर्सन 20 रुपीज़ करके लगता है, या फिर आप लोग पैदल ही चल सकते हो। तो हम लोग ने ऑप्शन चुना पैदल जाने का, क्योंकि हमने सोचा कि पैदल जाना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि पैदल जाने से यहाँ के सारे व्यूज़ को कैप्चर कर पाएंगे और सब कुछ देख पाएंगे। और अगर आप लोगों को चलने में प्रॉब्लम है तो आप लोग वैन भी कर सकते हो। हालांकि पहले लग रहा था थोड़ा सामने होगा, चलते चलते लगा कि वैन करना ही बेटर था, बट कोई नहीं, अच्छा भी लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ पर कितने तादाद में आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेला के तरह भी अनुभव होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब खिराई के जो फ्लावर वैली है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। ये वहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं, क्योंकि आपको घूमते घूमते भूख भी लग सकता है। तो आप यहाँ पर ईज़िली, मतलब बजट फ्रेंडली ये पे आप लोग खाना भी खा सकते हो। खाना अवेलेबल है, कुछ भी आप लोग चाहो तो खा सकते हो। और यहाँ पे एक मेले की तरह माहौल भी लग रहा है और काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। वन डे ट्रिप इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। अगर आप लोग चाह रहे हो तो आप लोग मतलब ज़रूर से ज़रूर विज़िट करिए इसका। आपको अगर मैं बेस्ट समय बता दूँ तो ये आपको दिसंबर के लास्ट से फरवरी मंथ तक के लिए आप लोग अगर यहाँ पे विज़िट करने आओगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आजकल लोग दूर दूर से ट्रैवल करने भी आ रहे हैं। अगर आप एक फ्लावर लवर है और आपको फूलों से काफ़ी प्यार है, तो आप लोग एक बार खिराई ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आने का आपके पास बेस्ट रूट होता है ट्रेन के थ्रू। ट्रेन से आप डायरेक्ट खिराई स्टेशन आ सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लोकल ट्रेन रुकती है, तो आप लोग कोशिश करिए कि लोकल ट्रेन से ही आएँ। और लोकल ट्रेन से आने के बाद आपको बस खिराई वैली तक जाने के लिए 20 मिनट्स का टाइम लगता है, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप स्टेशन से जस्ट उतर के उसके, अगर आप कोलकाता तरफ से आ रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड, और अगर आप टाटा या फिर आप झाड़ग्राम या कोई भी जगह से आ रहे हैं, अगर आप लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको राइट साइड आपको चूज़ करना होगा। आफ्टर देन आप लोग 20 मिनट्स का सफ़र तय करते ही आप लोग खिराई वैली पे पहुंच जाओगे। तो लेट्स सी, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ज़्यादातर पौधे जो कि लगाए जाते हैं उनमें से है गुलदावती, गेंदा, कोकोबम, स्वीट विलियम जैसे बहुत सारे बेहतरीन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग जो फूल वगैरह बेच रहे हैं वो यहीं के ही ग्रामीण लोग हैं। एक्चुअली जब से यहाँ पे खिराई को फ्लावर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल घोषित किया गया है, तब से यहाँ के जो ग्रामीण, ये एक्चुअली ये ग्रामीण क्षेत्र ही है, ग्रामीण लोग ही यहाँ पे फूलों की खेती करते हैं। और जब से इसे फ्लावर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से घोषित कर दिया गया है, तब से यहाँ के लोगों के लिए भी एक रोज़गार का जरिया बन गया है। तो इससे उनका भी मतलब अच्छा खासा ही बिजनेस हो रहा है और उनके भी आमदनी आ रही है। और यहाँ काफ़ी लोग तादाद में विज़िट करने आते हैं। इनफैक्ट यहाँ देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा।
वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने सारे वैली के जो भी फूल हैं, बगीचे हैं, उनको मैंने कैप्चर करा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एज़ यूज़ुअल दूसरे मेरे जो वीडियो ब्लॉग्स होते हैं उनके मुकाबले आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हैं फ्लावर के, और उसमें काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर बुके, फ्लावर्स और टियारा जो कि आप लोग कहीं कहीं देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने सर पे लगा के रखे हुए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर रिजनेबल प्राइस पर सेल हो रहे हैं, और ये सारे यहीं के ही किसान हैं और वो लोग ही सेल करते हैं इसे। खीरे में जो फूल काटे जाते हैं उनको कोलाघाट और हावड़ा में बेचा जाता है, और वहाँ से फिर उन्हें बाहर भी सेल किया जाता है, और इस तरह करके इसका जो बिज़नेस है, फ्लावर बिज़नेस, ये चलता है। और मोस्टली यहाँ पे जो जो बाहर जो एक्सपोर्ट होते हैं या फिर इंडिया में ही काफ़ी जगहों पर जो भेजे जाते हैं, उसमें से है गेंदा, गुलदाउदी, डलिया और एस्टर, डेंथस, ये सब पौधे ज़्यादातर सेल होते हैं, और जो कि यहीं से ही उत्पादन किए जाते हैं। और जब आप इस घाटी में आप घूमने आओगे तो आपको यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधों के चारा वगैरह भी सेल किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये सारे पौधे, और ये सब आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर ही मिलेगा, कुछ कुछ 20, 30, 40 ऐसे रुपीज़ में होता है। और अभी तो ये गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इसलिए ज़्यादातर अभी गुलहड़ का ही चारा देखने को मिल रहा था, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे गुलहड़ के चारे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं परचेज़ करा। तो लेट्स सी, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ गेंदा का ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ा बात मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर कोई इंट्रेंस चार्जेस नहीं लगता है, ना ही कोई पैसा लगता है कि हाँ मुझे अगर मुझे इंटर होना होगा तो मुझे कोई पैसा लगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग घूम सकते हो, जितना देर चाहे घूम सकते हो। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ भी आके आप लोग घूमिए, यहाँ का लुफ्त उठाइए और अपना डे को इंजॉय करिए। अगर मैं यहाँ विज़िट करने का आपको टाइम बोलूँ तो सबसे बेस्ट टाइम होगा आप सुबह के समय जाइए, 8 o'clock तक अगर आप पहुँच जाते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग आराम से घूम सकते हो और आप जितना देर चाहे घूम सकते हो। और क्योंकि दिन होते होते अगर आप लोग 10 o'clock निकलोगे और आप 12 o'clock तक अगर पहुँचोगे तो फिर धूप तेज़ हो जाता है, तो आपको खुद प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग सुबह सुबह जाइए, सुबह सुबह जाने से आपको देखने में भी, व्यू देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आप भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। यहाँ पे फूलों की खेती होने का खास रीज़न है, यहाँ से बहती हुई जो नदी जाती है जिसे कंसावती नदी कहते हैं, वो अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी बहाते हुए लेके आती है, जिसके वजह से ये इतना उपजाऊ हो जाता है कि यहाँ पर फ्लावर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है। और अच्छी मिट्टी होने के वजह से यहाँ पे फसल, जो फूलों के फसल होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। मेरा आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरा यह ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ अगर आप लोग खीरे घूमने जाओ, सिर्फ ये खीरे का बात नहीं है, अगर आप कहीं पर भी घूमने जाओ तो प्लीज़ नेचर का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप लोग फ़ोटो खींचते हो या जो भी करते हो, बट आप लोग उससे पेड़ पौधे को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि आपको वो अच्छा लगने के लिए कोई उसके लिए रात दिन मेहनत करता है, और उसके मेहनत को इस तरह बर्बाद करना ये अच्छा नहीं है। खीरे वैली के पास से ही रेलवे लाइन जाती है, और काफ़ी समय आप लोगों ने शायद देखा भी होगा ट्रेन से खीरे घाटी को, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है ट्रेन के ऊपर से ही। तो आई होप आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पर। जोहार।